हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं आपको आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल दीपा क्रिएशन उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो रहने वाली है सिंपल सूट की कटिंग। तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा सिंपल सूट की कटिंग तो हमें आती है, तो जिन लोगों को आती है वो लोग स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं आती है तो वो वीडियो पूरा देखिएगा। और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है, रेडीमेड सूट का कपड़ा है। तो ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो चलिए पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे और ये मेरी देखिए सेंटर पे कोटा पट्टी लेस है, तो मैं इसको हटा दूँगी। हटाने का मतलब ये है कि बाद में इसको मैं जॉइंट करूँगी, अभी मैं कटिंग के टाइम पे इसको हटा के साइड कर रही हूँ। तो कपड़े को हम सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सही से आप बिछा लीजिएगा डबल फोल्ड अच्छे तरीके से, ताकि कोई सलवट ना रहे। इसके बाद हम लोग देखिए लेंथ लेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें अगर आपका नीचे बॉटम में लेस है तो आप लेस लगा सकती हो, अगर लेस नहीं है तो आप 3 इंच प्लस करिएगा। मेरी लेस है तो मैं 1 इंच प्लस करूँगी। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। लेंथ लेने के बाद शोल्डर लेंगे। शोल्डर मेरा 14 इंच है तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। ये देखिए 7 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे, ये देखिए, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच में स्केल की हेल्प से। इसके बाद हम अपर चेस्ट का नाप लेंगे। अब अपर चेस्ट क्या होती है, जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम एक चेस्ट का लेते हैं और एक अपर चेस्ट का लेते हैं। तो मेरी चेस्ट का मेजरमेंट है 38 और अपर चेस्ट है मेरी 36। तो सबसे पहले मैं आर्म होल पे सबसे पहले हम अपर चेस्ट का लेंगे। अपर चेस्ट मेरी 36 है तो 8.5 इंच लूँगी फोर्थ पार्ट। और यहाँ से देखिए शोल्डर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे, ये हमारी चेस्ट का निशान हो जाएगा। इस तरीके से स्केल के हेल्प से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान देंगे। चेस्ट हमारी 38 है। इससे क्या होता है, जो हमारा आर्म होल पे कपड़ा आधा लटक जाता है अपर चेस्ट का, तो वो नहीं लटकता है और फिनिशिंग से हमारा सूट बैठ जाता है। इस वजह से मैंने ये फिटिंग, ये तरीका आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से सूट की कटिंग करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हिप पे हमने मार्क किया है 21.5 इंचेस और कमर पे हमने 18 पे करा है। दो तरीके से आप मार्क कर सकते हो, एक तो शोल्डर की साइड से और दूसरा आर्म होल की साइड से। आर्म होल से हम लेते हैं नॉर्मली होता है 14 इंच, और किसी की हाइट ज़्यादा है तो 15 इंच, किसी को चाक नीचे तक पहनना होता है, किसी को थोड़ा सा ऊपर पहनना होता है इस वजह से। तो ये देखिए अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी 36 है तो हम 8.5 इंचेस लगाएंगे, और हमारी हिप है 42 तो 10.5 इंचेस हो गया। अब इन मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से अगर आप सूट की कटिंग करते हैं तो परफेक्ट फिटिंग आती है, फिटिंग में कोई इशू नहीं रहता है। और यहाँ पे आर्म होल की साइड पे कोई झोल भी नहीं रहता है तो कपड़ा इस तरीके से दब जाता है। नीचे का जो चाक होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं, जितना भी हमने हिप पे लिया है उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे का चाक लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि एकदम स्लिट, जो स्लिट पहनता है तो आप इक्वल ले सकते हो, जो स्लिट नहीं पहनता है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका चाक परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि हम सिलाई, डबल सिलाई देते हैं, जब भी हम फिटिंग में सिलाई देते हैं तो वो अच्छे से फिटिंग आ जाती है। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट पे, ये देखिए अब हम सर्कल का शेप कटिंग करेंगे। जो भी हमने आर्म होल की फिटिंग दी थी उससे आधा इंच अंदर की साइड को आप मार्क कर लीजिएगा और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा दोनों का सेंटर लेके। ये हम फ्रंट साइड की गोलाई के लिए कर रहे हैं, तो पहले हम बैक पार्ट की गोलाई के लिए यहाँ से भी हम देखिए नेक की विड्थ ले लेंगे, जितनी भी आपको नेक की विड्थ रखनी है, और यहाँ से शोल्डर की साइड से आधा इंच हम डाउन कर लेंगे, और यहाँ से देखिए हमने गोलाई का निशान दे दिया है इस तरीके से, और 2 इंच हम इस तरीके से कपड़े के लूजिंग दे देंगे, एक्स्ट्रा जो छोड़ देते हैं मार्जिन, ताकि कभी लूजिंग करनी हो तो लूज कर सकें। तो इस तरीके से 2-2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से
अब जो हमने ये देखिए आधा इंच अंदर को लिया था उस पर भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट की कटिंग हो गई है और वो हमारी बैक की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से हम डाउन करके सीजर की हेल्प से जो जो हमारा मार्क है उसको हम कट कर लेंगे। ये जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी सिलाई में जाएगा और वो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है। इस तरीके से सीजर की हेल्प से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप सूट की कटिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सूट में और फिटिंग भी एक बार में ही बैठ जाती है। और ये देखिए जो भी हमने हिप और कमर का मार्क किया था वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमें सिलाई पे आसानी रहे। ये चीज़ें मेन होती हैं, अगर आप इस तरीके से कट लगाते हो ना तो सिलाई में हमारी फिनिशिंग भी रहती है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती। ये देखिए मैंने बैक पार्ट बिछा लिया है। बैक पार्ट में कुछ नहीं करना है, सिंपली हम फ्रंट पार्ट की जो कटिंग करी है उस कपड़े को रखेंगे और इसको सिंपली कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। बिछाते टाइम आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो बिछा हो, कहीं से सलवट ना हो। अगर सलवट रहेगी तो फिर आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम रहेगी। ये देखिए प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये मेरा रेडीमेड कपड़ा है तो छोटा पड़ रहा है तो मैं इसमें कपड़ा ऐड करूँगी। ये देखिए अगर आपका छोटा कपड़ा नहीं पड़ रहा होगा तो आप 3 इंच जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करिएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग होके तैयार हो गया है। और ये देखिए जो भी हमारा हिप कमर का नाप है उस पर आप छोटा छोटा मार्क कर लीजिएगा ताकि जब भी हम फिटिंग करें तो हमें आइडिया लग जाएगी हाँ यहाँ पर हिप का घेर आ रहा है। इस तरीके से छोटी छोटी बातें हम नोट करके रखते हैं तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती और इजीली हमारा सूट बनके तैयार हो जाता है। देखिए मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं और इस वे में हमारा जल्दी भी बन जाता है। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट की छटाई करी थी वो भी हमने कट कर लिया है। अब हम जो भी हमने मार्क किया है उसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। ये डार्क हम क्यों करेंगे इसको मैं बताऊंगी। अच्छी तरीके से डार्क कर लीजिएगा और कपड़ा ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप अपनी साइड को कपड़े को फोल्ड करिएगा। पहले आप अच्छे से उसको बिछा लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से सारे कॉर्नर्स आप मिला लीजिएगा। इस तरीके से पहले आप कॉर्नर्स मिलाइएगा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इस पर हम इस तरीके से हैंड की हेल्प से देखिए टिप टिप कर इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दोनों मार्क, दोनों साइड हमारे इस तरीके से निशान बन के आ गए हैं। तो इससे भी हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है क्योंकि हमें बार बार मार्क करना नहीं पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने मार्क भी कर लिया है। तो चलिए देखने के लिए थैंक यू सो मच।